देवा यांति वशं प्रसन्न मनसा निम्बा बहु ब्रोमहे धर्म देव नमोत परिषद नगे कुरुवंतु ते मंगलम कुरुवंतु मे मंगलम कुरुवंतु नो मंगलम यो गर्वा बतरोस्ते वो भगवताम जन्मामि से कोस्ते वो यो जाता पर निष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग यह केवल पुरा प्रवेश महिमा संपादिता सर्ग भी कल्याणानि च तानि पंच सततम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ओ दिव्यो शोचयादि कादि गुणता विद्यादि का देवता सीति तंकर मात्र कस जन का यक्षास यक्षस्तता द्वात्री शात्य तथस्ति पास्तिति सुरा दिक्कन का चाष्टदा दिक्पाला दस चेत्ते मी सुरगणा कुरुवंतु ते मंगलम कुरुवंतु मे मंगलम कुरुवंतु नो मंगलम इत्यम सिरिजिन ऐसी पावन वेला में भगवान का प्रथम अभिषेक एवं शांतिधारा कन्या का सौभाग्य प्राप्त किया है। यह दोनों सौभाग्यशाली परिवार श्रीमान संजय जी जैन A97 द्वितीय परिवार श्रीमान जिनेन्द्र जी जैन ब्रह्मणे अनंत अनंत ज्ञान शक्ते अष्टादश दोष रहिताय सत् चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परत परमेश्वरमा अरिघम नर्वपामति स्वाहा। कलशों की स्थापना कर दें सभी पांडु शिला पर भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की आइए प्रभु जी की निकली सवारी खड़े हो जाए सभी त्रिलोकीनाथ भगवान का आगमन प्रभु जी की निकली सवारी है, है। प्रभु जी की ली नाग न्यारी न्यारी प्रभु जी की निकली सवारी प्रभु जी की महिमा है न्यारी। अरे एक तरफ इंद्र तो एक तरफ इंद्राणी एक तरफ इंद्र तो एक तरफ इंद्राणी बीच में जगत के पालन हारी वीर जी की निकली सवारी वीर जी के महिमा है न्यारी। हाँ, हाँ, हेलो एक मिनट कृपया ध्यान दें देखिए सभी को अभिषेक करने का अवसर मिलेगा सभी पुजारी लाइन लगा ले दोनों साइड से ओम ने इस पीठ स्थिताय जिनाय नमः अर्घम नर्वपामति। पहला कलश हाथों में ले लें दोनों ऊपर परिवार संजय जी जिनेन्द्र जी के कलश ऊपर और जो यहाँ पर चारों महानुभाव हैं प्रथम संलग्न रत्न किरणा छवि दोष रंगो प्रिस्मे प्रताप मल मोक्ति मपीत कृष्णई भक्त्या जलई जिन पतिम बवदाव सिंचे। जिनके हाथ में कलश नहीं है वो दोनों हाथों को उठाएं तालियों के साथ वाद्य यंत्र के साथ मूल नायक भगवान का अभिषेक के साथ हम और आप चले मैया जिनेन्द्र जी ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलशेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इनके जो प्रथम अभिषेक करता है इनके परिवार जन आकर के अभिषेक करें। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलशेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलिए अभिषेक करते रहें क्रमशः अभिषेक करें और नीचे चलते रहें भैया। ओ इंद्र गाने लगे इंद्राणी गाने लगे इंद्र आने लगे इंद्राणी गाने लगे सिर सागर से जल भर लाए
सागर से जल भर लाए, मेरे प्रभु जी पे कलश ढुराए।
इंद्री इंद्राणी हरिष मनावे, इंद्री इंद्राणी हरिष मनावे, प्रभु जी के सिर पर कलश अनुराए, प्रभु जी के सिर पर कलश अनुराए, मन में बजी सिंहनाई नहावे देखो जग त्रिपुरारी, कलशों से धारा बहाए नहावे देखो जग त्रिपुरारी। भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे अमृत से गगरी, भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे, नवाने करेंगे प्रभु, नवाने करेंगे, नवाने करेंगे प्रभु, नवाने करेंगे, खुशी खुशी मिलकर चलो कि आज प्रभु नवाने करेंगे अमृत से गगरी, भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। चलिए जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो पीछे आके बैठ जाएं, शांति ध्यान की तैयारी कर रहे हैं और आगे की प्रभु जी से मिल भक्ति ये हमारी रंग लाएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गए, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गए। सागर से जल भर लाओ के आज प्रभु नवाने करेंगे, अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवाने करेंगे, नवाने करेंगे प्रभु, नवाने करेंगे, नवाने करेंगे प्रभु, नवाने करेंगे, खुशी खुशी मिलकर चलो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनावे, इंद्र इंद्राणी हर्ष मनावे, प्रभु जी के सिर पर कलश ढुराए, प्रभु जी के सिर पर कलश ढुराए, लेकर सरस को चलो ले प्रभु की शरण में, शरण में मन लेके आया पारस प्रभु की शरण में, बड़ा सुखी पाया, बड़ा सुखी पाया पारस प्रभु की शरण में, मन लेके आया पारस प्रभु की शरण में, शरण
जान जाए महिमा तुम्हारे, जान जाए महिमा तुम्हारे, पलछिल के जीवन में ज्ञान बाण बाण, हाय हाय महिमा तुम्हारे, और जान जाए महिमा तुम्हारे, पलछिल के जीवन में ज्ञान बाण बाण, हाय हाय महिमा तुम्हारे। उभर दे झोली मेरे पारस बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, उभर दे झोली मेरे पारस बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, चंदा सी मूरत पारस तुम्हारी, चंदा की तुम चांदनी, चंदा सी मूरत जिन पर तुम्हारी, चंदा की तुम चांदनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। चलिए जरा शीघ्र करेंगे, समय बड़ी तेजी से भाग रहा है, ऊपर की व्यवस्था थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि ऊपर वालों की प्रतिमा की लाइन लगी हुई है। नीचे की महानुभाव से निवेदन है कि वे अपना स्थान लें। नीचे की पांडुशिला जो चार है सभी पहुंचे वहां पे, एक पांडुशिला पे हमारे रमेश जी, एक पांडुशिला पे हमारे राजेश भाई, पारसनाथ भगवान की जो मूल प्रतिमा नीचे है उस पे ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः, नमो अरिहंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो वायरियाडम, नमो वज्जायाडम, नमो लोए सब्बसाहोडम, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम, चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पड़त्यो धम्मो लुगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवब्जामि, अरिहंते शरणं पवब्जामि, सिद्धे शरणं पवब्जामि, साहू शरणं पवब्जामि, केवली पड़त्तम धम्मम शरणं पवब्जामि। ओम ब्रीम अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत पार्वतीथंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण प्रविष्टताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय
त्रिलोक मही व्याप्ताए अनंत संसार चक प्रमर्दनाए अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक व संक्राय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे उपसर्ग विनाशनाय गातिक्रम क्षयंकराय अजराय अववाय अस्माकम अत्र दिवसे भगवान जिनेन्द्र पार्श्वनाथ स्वामी मोक्ष कल्याणक पावन वेलायाम अत्र दिवसे अत्यस्थले परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पधन सागर सह तत् शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर सह तत् गुरु भक्त परिवार अत दिवसे सांधाराकर्ता परिवार श्रीमान संजय कुमार जैन रेणुजैन सा परिवार श्रीमान जिनेन्द्र जैन अमन जैन सा परिवार श्रीमान मनोजी जैन बबीता जैन सा परिवार श्रीमान धर्मपाल जी रूप जी राजेश जी ऋषभ भरत जैन सा परिवार श्रीमान रमेश जी जैन सा परिवार श्रीमान संतोष जी अनुज जैन सा परिवार उपस्थित सर्वे जना सा परिवार मम चे मम परिवार सकल दिगंबर जैन समाज सा परिवार व्याधिं धिनंतो श्री जिना विषेक पूजन प्रसादात सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजोत्मूर्ते शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वघ्न प्रणाशनाय सब रूकप मृत्यु विनाशनाय सर्प कुचद्र विघ्न विनाशनाय ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा हरम अस्याउ सनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा शांतिम शांतिम बोलेंगे सभी मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम बेरम चे अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम स्वराज्य भयम स्वचोर दुष्ट भयम स्वमात्म चक्र भयम सर्वपरमंत्रम सर्वमात्मघातम प्रघातम चे सर्वशूल रोगम सर्वकुक्षी रोगम सर्वक्षी रोगम सर्वसरो रोगम सर्वजरो रोगम सर्वसाध रोगम सन्नरमारिम स गाजस गो महेश जमारिम सर्वश धन्य वृक्षता गुल पत्र पुष्प फल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सब क्रूर वेताल साकनी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सकर्माष्टिकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सप्त तेजोवलवीर सौर शांतिम पूरे पूरे सब जीवनंदनम कुरु कुरु सब जनानानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दय पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेषु लोकेषु व्याधि विसनवर्जितम अभियम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तो सिंहस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्य संजय जैन रेणु जैन सा परिवार श्रीमान जिनेन्द्र जैन अमन जैन सा परिवार श्रीमान नवीन जैन सी ए सा परिवार श्रीमान महेंद्र कुमार जी मनोज कुमार जी जैन सा परिवार श्रीमान धर्मपाल जी रूप जी राजेश जी ऋषभ जी भरत जी जैन सा परिवार श्री रमेश जी जैन सा परिवार श्रीमान संतोष जी अनुज जैन सा परिवार उपस्थित सर्वे जना सा परिवार मम चे मम परिवार सकल दिगंबर जैन समाज सा परिवार पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो ए वृद्धिरस्तो ए विघ्नरस्तो आयुष्मस्तो आरोग्यमस्तो कर्म सिद्धिरस्तो इष्ट संप्रतिरस्तो काम मंगल समन्तो पापा निशमिन्तो घ्रोणा निशमिन्तो पुण्यम वर्धताम धर्मो वर्धताम कुल व्यापार वर्धताम स्वस्ति वद्रम चास्तु वा जीम छीम हम स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउ सहा अनाहत विद्धेर्णमो अरिहंतणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद पोहप शीतल श्रेयांश जिन बांस पोज पोजित सुर राय विमल आनंद शांति कौन तो अरे मल्ली मनाए मुनि सूरत नमी नेमी पार्श प्रभु वरदे मान पद शीश नवाय
ओम निश मनसपूर्ण महावीर जिनेन्द्राय नमः रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा ओम नमो भयभदो भट्टमाण श्री सस्रस चक्रम ज्वलंतम गच्छे आय संपायलम लोयडम भूयडम ज्वेवा विवादेवा रंगडेवा रंगडेवा थंबडेवा मोहेडेवा सब जीव सत्तणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुराशिराग्यम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र यंत्र पर धारक कर देंगे ओम ब्रीम भूर्वासुविनुवरकम यंत्रम प्रसिंचामा ओम ब्रीम भूर्वासुविनुवरकम यंत्रम प्रसिंचामा ओम ब्रीम भूर्वासुविनुवरकम यंत्रम प्रसिंचामा जय देवा देव शांतिनाथ भगवान की जय हो ओम ब्रीम अभिषेकांति विश्वादि वीरांतेभ्यो तिलोकमय सांधराय सांधना जिनेन्द्राय नमः अनर्गमत प्राप्ति जिलादि अर्गम दर्वपामति स्वाहा जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है कैसी जय जयकार है ये अजब बहार है कैसी जय जयकार है ये अजब बहार है देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है आनंद अपार चंद
शांति शांति धारा पुष्पांजलि छपेत जाप बाद में करेंगे। आई जय माला और विषय विकार विवर्जित तन मन लोभ शत्रु का दमन किया, चितानंद चेतन विहारी श्रद्धा दर बंदन किया। भवतारक ही पार्थ जिनेश पर मम भक्ति स्वीकार करो, दोष त्रिसट रहित के विली निसंपर्क उद्धार करो। और नाम जाप से कार्य सिद्ध हो, शिष्ट दृष्टि धारी हो, आत्मरमण कर इस बने पव मदन जीत अभिकारी हो। भवतारक ही पार्थ जिनेश पर मम भक्ति स्वीकार करो, दोष त्रिसट रहित के विली निसंपर्क उद्धार करो। विनाथ कर हर्षद सतनभ चरण कमल पूजा करते, मुनियों के हैं महामुनि के ढोल मचीरा सब बजते। भवतारक ही पार्थ जिनेश पर मम भक्ति स्वीकार करो, दोष त्रिसट रहित के विली निस्सम कर उद्धार करो। रत्नात्रय से भरी आत्मा समवसरण से युक्त हुए, क्षुदात्र सा के तपन मेट कर दुदा संग से मुक्त हुए। भवतारक ही पार्थ जिनेश पर मम भक्ति स्वीकार करो, दोष त्रिसट रहित के विली निस्सम कर उद्धार करो। ओ अंबर बनी दिशाएं तेरी मुक्ति रमा के पर प्यारे, मोहे क्षोभ से मुक्त जिनेश्वर निराकार तन को धारे। आज भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याण की इस पावन वेला में पूज गुरुदेव के सानिध्य में अब आपको आज सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार तालियां बजाओ उनके जोरदार। मनोज जी अब भक्ति के साथ आनंद के साथ प्रथम अर्घ समर्पित करना है। हमें और आपको मिलकर के भक्ति रचाते हुए जो बैठे हैं वे भी दोनों हाथों को खोल लें पूरी ऊर्जा के साथ भक्ति के साथ। आइएगा चलो भैया
बोलिए सूरज मल के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ जी वहां तेरा क्या कहना, सूरज मल के पार्श्वनाथ जी वहां तेरा क्या कहना। काटे कर्मों की जंजीर, काटे भक्त जनों की पीर, काटे कर्मों की जंजीर, काटे भक्त जनों की पीर। मेरे बाबा भोले भाई हे, तीनों के तीनों पे तीनों के दीनानाथ जी वहां तेरा क्या कहना, तीनों के दीनानाथ जी वहां तेरा क्या कहना। हो उदार तो पाप नाश में कारण हो, भया क्रांत जो प्राणी जग में भव भय के करते निवारण हो। इसके कारण से मुझे भी अपना नियम बदलना पड़ा, आहार के बाद विधान कराना पड़ा। किसके कारण से कराना पड़ा था कि नहीं? द्रोणागिर में भरी बरसात में, किसमें कराना पड़ा था? भरी बरसात में कराना पड़ गया था। बोले महाराज अब आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। मैंने कहा आंदो वांदो वांदो, वो पता पड़ा आंदो वांदो में गाड़ी टकरा गई थी। ये भावनाएं होती है, इसीलिए पार्श्वनाथ भगवान को कह दिया जाता है पार्श्वनाथ भगवान आप तो कल्याण के धाम हो। क्या पढ़ रहे हो आप? किसके धाम हो? कल्याण के धामों, यानी कि उनके पास मित्र आए चाहे शत्रु आए, आज नहीं तो कल उसके परिणाम जरूर बदलते हैं। और आज से वो कल्याण के धाम नहीं थे, यानी कि तीर्थंकर बनने के 10 भव पहले से ही कल्याण के धाम थे। कितने भव पहले से? कितने भव पहले से? 10 भाव पहले से ही कल्याण के धाम थे, क्योंकि उनके घर में ही बुरी घटनाएं घट गई। कोई जरूरी नहीं है कि बुरे कृत्य दूसरे के यहां ही हो, अपने यहां भी हो जाता, अच्छा करने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है। आप कभी कभी भगवान की आरती के लिए दीपक जलाओ तो आपका ही हाथ जल जाता है। आप कह दो भगवान तुम्हारे लिए आरती जला रहे और तो मेरा ही हाथ जला रहा है, भगवान कह देगा भाई भक्ति अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। भक्ति कर्म को कम कर सकती है। हो सकता है तो इस समय घर का चूल्हा जला रहा होता, इलेक्ट्रॉनिक सिद्ध ठीक कर रहा होता, उस समय शॉर्ट सर्किट होता या गैस भभक जाता तो पूरा ही जल के मर जाता, वर्षों के लिए तड़फन तुम्हारे भीतर पैदा हो जाती। बोले कोई भरोसा नहीं, तू तो ये सोच करके परमात्मा की आराधना कर, हे परमात्मा तुम्हारे पास था तो तुम्हारे लिए दीपक जला रहा था, अभी तो केवल मेरी अंगुली जली है, आपने मेरे कर्म को कितना घटा दिया, यही आपकी महिमा है, यही आप कल्याण के धाम हो। जब कल्याण के धाम भगवान को समझना है तो हर बुरी चीज को भगवान की कृपा मान करके टलने वाला समझ लेना, क्योंकि वो कल्याण के धाम है। और 10 भाव पहले, कितने भाव पहले? 10 भाव, यानी नेमिनाथ भगवान के पहले से घटना चल रही है। कितने तीर्थंकर का काल व्यतीत हो गया होगा कुछ भी पता नहीं है। नेमिनाथ भगवान के तो 83,750 साल के बाद पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है। कितने साल के बाद? देखो कल नेमिनाथ ने शादी करी थी, आज पार्श्वनाथ भगवान पैदा हो गए। गजब का अतिशय है, ऊपर शादी हुई है और नीचे मोक्ष हो रहा है पार्श्वनाथ का। कल कौन सा कल्याण था नेमिनाथ का? तप कल्याणक। विवाह का कल्याणक थोड़ी ना होता, शादी कल्याणक बोल रहे। विवाह का कोई कल्याणक नहीं होता है, विवाह में तो बोले हो गया एक का कल्याण और, सिर पे हाथ रख के बोलते हो एक का हो गया, इसको बोलते। लेकिन यहां कल्याण का रूप बिल्कुल दूसरा है कि कल्याण के धारा 10 भाव पहले से ही व्यतीत होने लग गई। कमठ और मरुभूति का जीव, कौन सा जीव सोच लो, अपने घर में ही अपनी बुरी आदत,
और बुरी आदत कैसे पनप गई, लेकिन कल्याण की बुद्धि ऐसी कि ये तो बाहर थे अरविंद राजा के राज्य में। कौन से राजा के राज्य में? अरविंद राजा के राज्य में कमठ और मरुभूति ये दो ही जीव थे। और दोनों कौन थे? सगे भाई थे। ख्याल करना, पराया व्यक्ति अगर अपने घर में गलत काम करे तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं होता है, बल्कि ताकत ज्यादा आती है कि उससे लड़ना है, उससे जूझना है। लेकिन अपने ही घर का व्यक्ति गलत काम करने लग जाए तो मन निराश, मन हताश, मन उदास हो जाता है। बोले अपना ही व्यक्ति है तो अब क्या कर सकता हूं। इनके जीवन की जो घटना घटी वो अपने ही परिवार की थी, और दोनों सगे भाई एक मां के जन्मे। लेकिन संसार क्या कहता है? संसार कहता है भाई मजबूरी से बनता है। किससे बनता है? इच्छा से नहीं बनता भाई कभी। ऐसा कौन व्यक्ति इसमें है जिसने अपनी इच्छा से अपना भाई बनाया हो? दुनिया को कह दोगे भाई? मर्जी से आपका मित्र बनता है, मजबूरी से आपका भाई बनता है। मजबूरी अलग चीज है। इसलिए आप गृहस्थी में आप देखोगे तो भाई मजबूरी से भी बनता है, तो कभी प्रगाढ़ मित्रता भी हो जाती है और कभी कभी प्रगाढ़ दुश्मनी भी हो जाती है। एक बार अगर देखो तो अनुगामी बन जाता भाई, तो आंख मंद करके बड़े पर विश्वास कर लेता है, भले वो अच्छा काम करे चाहे धोखा दे, आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। लेकिन कभी कभी समय ऐसा बुरा आ जाता है कि उम्र भर काम करता चला जाता और आखिरी क्षण आने लग जाता है या शादी विवाह का समय आने लग जाता है, तो वो जिसके साथ विश्वास दिया वही विश्वासघात करना प्रारंभ कर देता है। कैसे जिंदगी की घटनाएं हैं आप सोचोगे तो महसूस होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं भाई तो मजबूरी से होता है, और जब वो दुश्मनी निकालने के लिए बैठ जाए तो आप देख लो पूरे घर की खुशियों पे आग लगा देता है, बनते हुए काम को भी बिगाड़ देता है, पनपती हुई चीज के भी टांग खिंचाई कर लेता है। पराया खींचेगा तो बीच में लड़ सकते हो, लेकिन अपना खींचे तो लड़ने में भी शर्म लगती है। बोले कौन अपनी इज्जत खराब करे। इसलिए खून के रिश्ते भी मजबूत होते हैं, और खून के रिश्ते जब खराब होते हैं तो खून करने में भी संकोच नहीं करते। और ये दस भाव पहले की घटना पारसनाथ भगवान को देखो तो केवल शांत अभी बैठे हुए, अभी तो आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनने अपने जीवन में क्या क्या झेला है ये तो थोड़ा सा याद करो। केवल इनकी पूजा मत करो, पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा, केवल सामग्री एक थाली से दूसरी थाली में जाएगी, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी थाली में जाने के बाद तीसरा माली के पास जाएगा, और उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ये पूजा तो एक माध्यम है, लेकिन पूजन के माध्यम से अगर गुणों को देखते चले जाओ, जीवन को देखते चले जाओ, तो आपको महसूस होगा हे परमात्मा तू भी तो पहले मेरे जैसा ही था, तेरे और मेरे में क्या अंतर था। तू भी तो पहले गृहस्थी था, तू भी तो पहले संसार के उलझनों में फंसा हुआ था, तू भी तो बड़ा भाई था, तेरे घर में भी तो छोटा भाई था, लेकिन देख उसकी प्रॉपर्टी पे तो निगाहें नहीं गई, लेकिन किस पे निगाहें चली गई? बोले छोटे भाई की, बड़े भाई की पत्नी पर ही निगाहें चली गई। सोचो कहां जीवन जाता है, कितना बचा करके रखना पड़ता है निगाहों को, कितना बचा करके रखना है पड़ता है अपने मन को। घर में रह करके भी कितनी पावनता दी जाती है और कितना सम्मान दिया जाता है कि चल अगर बड़ी है भाभी तो माँ के समान है, इतना बड़ा सम्मान दे दिया ताकि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ भय और कुछ ना कुछ मर्यादा बनी रहे। आप सोचो, धर्म को देखने की चेष्टा करो, और उसकी घटना को देख करके घर में विचार करते लगना ना कि कहीं मेरी निगाहें किसी भी रूप में खराब हो रही हैं, तो हे भगवान मैं कितना निकृष्ट हूं, मैं कितना पापी हूं। यह भाव पैदा होना चाहिए। यह भाव पैदा होता है? नहीं होता। जिस दिन यह भाव पैदा हो जाए तो मन की पावनता अपने आप ही आने लग जाएगी, क्योंकि जिंदगी बदल जाती है।
कभी कभी तुम्हारी गरीबी में शादी हुई है तो साधारण सी पत्नी आ गई है, फिर तुम कमालियो हो तो तुम्हारे भाई की बहुत सुंदर आ जाती है। तुम्हारे मन में कौन सा भाव पैदा हो जाए, कौन सी ईर्ष्या पैदा हो जाए? ये तो संयम के साधना के रूप बता रहे हैं महावीर स्वामी। पारसनाथ भगवान की घटना आज केवल पारसनाथ भगवान की कथा ही सुनो और कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि सबके घर में भाई हैं, सबके घर में भाभियां हैं, सबके घर में स्त्रियां हैं, और पावनता का दरवाजा अपने घर से ही खोलना और उस पावनता को अपने मित्रों में भी बढ़ा देना, समाज में भी बढ़ा देना, तब देखने लगोगे तुम्हारे जीवन की मर्यादाएं धर्म के अनुसार बढ़ती चली जाएगी। धर्म की शिक्षा किताब की वस्तु नहीं है, धर्म की शिक्षा आचरण की वस्तु है। धर्म का ज्ञान जो है किताब में रखा जाता है। और पारसनाथ भगवान की जिंदगी को आप देखोगे तो यही है कि अरविंद राजा के पराये में मंत्री थे, मंत्री मरुभूति और कमट का जीव। और कैसी निगाहें चलेगी, और निगाहें चली गई तो वो तो युद्ध के मैदान में गया था, लेकिन गांव वाले कहने लग गए, हे भगवान, इतने बड़े सम्राट के घर में रहने वाला बेटा ही अगर इस प्रकार के कुआचरण वाला होगा तो प्रजाजनों में अराजकता फैल जाएगी, अमर्यादा फैल जाएगी, पाप फैल जाएगा, दुष्कर्म फैल जाएगा। क्योंकि अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति गलती करता है तो प्रजाजनों में गलत प्रभाव पड़ता है, समाज में बैठा व्यक्ति गलत काम करता है तो समाज में गलत प्रभाव पड़ता है, परिवार का मुखिया अगर गलत काम करता है तो परिवार में गलत प्रभाव पड़ने लग जाता है, नीचे आता है। और सद्प्रभाव नीचे से ऊपर भी चला जाता है। सद्प्रभाव धुएं के समान होता है जो नीचे से ऊपर जाता है, कि छोटा व्यक्ति भी करता है अगर उसका आचरण अच्छा दिखने लग जाता है तो बड़ा भी सोचने लग जाता है, अरे जब ये इतना अच्छा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो ऊपर उठाने लग जाएगा। और बुरे आचरण का प्रभाव पड़ेगा तो प्रपात के समान होता है, कहता पानी ऊपर है लेकिन नीचे ही आकर के अपने भाव पैदा कर रहा है। तो बोले ऊपर हुआ तो क्या हुआ, मैं तो नीचे जाऊंगा और जिंदगी का आनंद लूंगा। उत्थान और पतन केवल तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है, अन्य किसी कार्य पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए जिंदगी में सोचने लग जाओ, हे पारसनाथ भगवान, तुम्हारे जीवन में यह घटना घटी और नगर के लोगों ने सोच लिया कि हे प्रभु, सम्राट के घर में पैदा हुआ और उनका ही बेटा अपने ही घर में गलत निगाहें दौड़ा रहा है, तो पता नहीं कितने बहु बेटियों पर गलत निगाहें दौड़ा देगा। सारे के सारे सम्राट के पास जाते हैं, अरविंद राजा के पास। कौन से राजा के पास? कौन से राजा? अरविंद के पास जाते हैं और अरविंद के पास जाकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु जब आपके राज्य में ही ऐसा गलत काम हो रहा है तो हम प्रजाजनों की क्या स्थिति होगी? अगर आज आपकी उदासीनता रह गई तो पूरे प्रजा में अराजकता फैलने में देर लगने वाली, क्योंकि लोग उदाहरण देने लगेंगे, अरे सजा देनी है तो राजा के बेटे को दो ना, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे, हमारे लिए तुम तुरंत आ जाते हो। और ये जनता कहती है, आप देख लो जरा सा भी कुछ होता है, आजकल चलता ना सरकारों में, उसका बैंक लोन माफ कर दिया और गरीबों को तुम बाउंसर पहुंचा दिए, छोटे के लिए तो तुम निचोड़ रहे हो और बड़े लोगों को तुम छोड़ रहे हो, यह भाव पैदा हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा का गुण यही तो है। क्या चाहते हो तुम लोग? क्योंकि सम्राट ईमानदार था, सम्राट नेक नियति वाला था, सम्राट पवित्र था, सम्राट प्रजा वत्सल था, सम्राट अपना ही सम्मान नहीं चाहता था जबकि प्रजा का भी सम्मान चाहता था। और इतना चाहने के उपरांत उसने कह दिया, क्या तुम लोग चाहते हो? प्रभु आप सम्राट हो, सजा की नियुक्ति तो आप करोगे, अगर कोई आपके इस नगर में किसी बहु बेटी को छेड़ देवे तो आपके मन में क्या भाव आएगा प्रभु? इसलिए आप ही सजा नियुक्त कीजिए। अब आप सोचिए, सजा नियुक्त करने के लिए कह दिया, कुछ भी नहीं, वही पुरानी सजा होती है, गधे पे बैठाओ, काला मुंह करो और नगर से इसे बाहर निकाल दो। पहले बहुत बड़ी सजा थी ये, काला मुख कर देना। आप सोचो, कदाचित आपके घर में आपके दुकान में कोई गलत काम हो जाता और पुलिस आ जाए, बस कौन आ जाए, आजू बाजू में क्या होने लगती है, खुसुर फुसुर,
होने लगते कि नहीं, जरा सा खाकी वर्दी का आ जाए और कहीं हथकड़ी बांध करके आपको अपने साथ ले जाने लगे तो, जीप की जगह पैदल ले जाने लगे तो, आप सोचना कभी उस कल्पना को सोचना कि इज्जत का गिरना सबसे बड़ी सजा है, जाने की कभी भी चेष्टा नहीं करना, क्योंकि जिंदगी में धन कमा लोगे चला जाएगा लौट करके आ जाएगा फिर बढ़ जाएगा, लेकिन एक बार अगर तुम्हारी इज्जत या विश्वसनीयता गिर गई है तो दोबारा दूसरे की निगाहों में बैठने में बहुत समय लगता है, इसलिए इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। और आपसे क्या कहते हैं, अरे इज्जत कमाओ, धन कमाओ नहीं बोलते हैं, क्योंकि धन तो आप कमाओगे कमाओगे, लेकिन क्या बोलते हैं, इज्जत कमाओ। और इज्जत कमाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है, और इज्जत गंवाने में एक मिनट भी नहीं लगता, इज्जत तो बनी हुई थी उसकी, लेकिन एक जरा सा काम कर दिया और बाहर हवा चली गई तो इज्जत क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई, गधे पे बैठा करके कहां ले गए। नगर के बाहर वो सोचा, हे भगवान मेरे तो सारा मामला पानी फिर गया, क्या करूं, तो जंगल में छोड़ा तो वहीं घूमता है तो देखता है कुछ बैठे हुए थे साधक, साधक बैठे हुए थे तो बोले हमको भी अपनी शरण में ले लो, हम भी आपके जैसे सन्यासी बन जाते हैं। बैठ गया तपस्या करने के लिए, पंचांगनी तप मिथ्या तप तपने लग गया, पत्थर को हाथ पे ले लिया और खड़ा होकर के क्या कर रहा है, साधना कर रहा है। घटना तो आप पढ़ते हो ना, सोचो घटना कितनी बार आप सुने हुई है, लेकिन घटना के बीच में जो संयम और इज्जत, ये दो गुणों को ग्रहण कर लो तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। आप कहने लगोगे मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूं, हे प्रभु मेरा कोई भी ऐसा आचरण न हो जिससे मेरे समाज के मेरे धर्म की बदनामी हो, इतना अगर जीवन में आ गया तो आप देखिएगा बाहर आपके माध्यम से कोई भी गलत कृत्य होने वाला नहीं है। लेकिन इस बात का तो ध्यान रखते ही नहीं हो, और बिल्कुल पारसनाथ भगवान के पास आओगे और कहोगे हे पारसनाथ, पारसनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, क्या बोलोगे, पारसनाथ देव सेव आपकी, हे प्रभु पारसनाथ देव, जब आप कुछ दोगे तब सेव, तब आपकी सेवा करूंगा, अगर आप नहीं दोगे तो आपकी सेवा पूजा भक्ति करने वाला भी नहीं हो। धर्म का रूप तो बदल गया है ना, धर्म का रूप बिल्कुल बदल चुका है, और बदलते हुए परिवेश में हर चीज बाजारवाद और पूंजीवाद पे आ गई है, कितनी स्थिति बदल जाती है। महावीर कहते धर्म बिल्कुल बदलता चला जा रहा है, पारसनाथ से भी कह रहे हो पारसनाथ देव सेव, जब दोगे तो क्या करूंगा, सेवा करूंगा, और नहीं दोगे तो बैठे रहो बैठे रहो। अब क्या करेंगे पारसनाथ भगवान, देव सेव, दोगे तो सेवा करूंगा, आपकी करूं सदा, दोगे तो सदा करूंगा, और नहीं दोगे तो, बोले हे भगवान अब तो तुम्हारी महिमा खत्म हो गई, कोई मिल ही नहीं रहा है, विचार की श्रृंखला बदल जाएगी, और जहां विचार की श्रृंखला बदल जाती है वहीं धार्मिकता खंडित होने लग जाती है, पराजित होने लग जाती है। महावीर का रूप तो देखो आप, पारसनाथ भगवान का रूप तो देखो, और ऊपर से नीचे लाइन कह देते कौन सा, दीजिए निवास मोक्ष, और क्या दे दो भगवान, हम तो आपके सामने बोल रहे हैं ना अक्षय पद प्राप्त आए मोक्ष फल प्राप्त आए, क्या बोल रहे हैं, इसलिए दीजिए क्या दो, निवास कहाँ का, मोक्ष, और ऊपर से आपको कहते भूलिए नहीं, कदा भूलना मत, नहीं तो निपटा दूंगा, किसको बोल रहे हो आप। अब वो बोलते बोलते आदत में इतनी पंक्ति आ गई है कि वो जीवन में आ गया, और जब आदत जीवन में आ जाता है तो फिर वैचारिक स्तर उस समान हो जाता है, हमेशा हाथ पे पत्थर लेकर के साधना कर रहा है, यानी कब मौका मिले और कब दूसरे का नुकसान पहुंचा दूं, ये जिंदगी आ जाती है। लेकिन इधर युद्ध के मैदान से उनके भाई मरुभूति आ गए,
और देखते हैं नगर का मामला बिल्कुल शांत है, उजड़ा हुआ है। मैं तो जब यहाँ से गया था तब तो बड़ी रौनक दिख रही थी, बड़ी अच्छी दिख रही थी, सब चर्चाएं चलती थी, हंसी खुशी का था। और जब भी मैं आता था युद्ध करके तो लोग यूं खड़े हो जाते थे विनम्रता के साथ, लेकिन यहाँ पर देखो तो मामला बिल्कुल शांत हो गया है। हे भगवान, ये हुआ क्या? आजू बाजू से पूछता, हुआ क्या? सब यूं। अब कौन बताए राजा को कि मामला ऐसा हो गया, क्योंकि उसको रास्ते में बता दे तो कहीं उत्तेजित न हो जाए। एकदम कह दे, सब कैसे रहना? मौन रहना। निर्देश मिल गया, सब मौन रहे। रास्ते में कुछ भी गतिविधि नहीं चल रही है। और वो धीरे से घर पहुंचता तो देखता है घर भी बिल्कुल शांत है, राज दरबार भी बिल्कुल शांत है। दूसरे लोग तो उसके पास आए लेकिन भाई ही नहीं दिखा। जो उसकी पत्नी और भाभियां थी उनके चेहरे पर भी उदासी थी, बेचैनी थी। आ तो गए, आइए, लेकिन उसको लगा ये मामला क्या है। कृत्य करके जब बाहर आता है और कहता, बात क्या है? बोले, राजन इंटरनल मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कौन सा मामला? इंटरनल मामला गड़बड़ हो जा। ओहो, राजा भी बोला, हुआ क्या? बोले, कुछ नहीं, बस जो हो गया सो हो गया राजन। नहीं, पहले बताओ हुआ क्या। धीरे से कान में बात बताई जाती है कि आपके भाई ने ऐसा ऐसा आपकी कल्याण धाम, उनके भीतर कल्याण की भावना। बोले, इंसान है, अनजाने में त्रुटि हो जाती है, क्षमा मांग लेता तो सुधार भी हो जाता, प्रेम से समझा देते तो शायद बदल जाता, लेकिन इसे कौन सा दंड दे दिया? बोले, देश निकाला। बोले, ये गलत किया, मैं एक बार भाई के पास जाऊंगा, है तो आखिर में मेरा ही खून, हो गई गलती, हो जाता है। भाई का भाई के प्रति जब प्रेम पनपता तो ऐसे ही होता है। अगर कहीं व्यापार में डाउन भी हो जाए, कह देता कोई बात नहीं भाई, मैं तो तेरे साथ हूँ, ये ले बिना ब्याज के ले, तू कमा मेहनत कर, हो जाए तो दे देना, नहीं हो तो तू तो मेरा दूसरा हाथ है, एक हाथ ये है तो एक ये है, ये भाव भी पनप जाएगा। कब भाई के जीवन में भाई का भाव पनप जाए और कब भाई के मन में कसाई का भाव पनप जाए, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए मजबूरी अलग चीज है और मजबूती अलग चीज है, मर्जी अलग चीज है। भाई मजबूरी से पैदा हुआ, आपने तो चाहा नहीं था ना कि ये पैदा हो मेरा भाई बने, लेकिन हो गया, हो गया तो तुम्हें कहना पड़ा, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरा बड़ा भाई। कितना अंतर पड़ जाता है। मैं तो जाऊंगा, वो राजकाज में गद्दी पर तो नहीं बैठा और चला। जैसी जाया तो बोले, कहाँ भेजा था? वहां भेजा था, जंगल में ढूंढता है तो देखता है एक चट्टान के ऊपर एक पैर में खड़े हो करके हाथ में पत्थर लेकर के वो अपनी साधना कर रहा है। साधना तो क्या कर रहा है, अब क्या करे, फंस गया था तो अपने जीवन को गुजार ही रहा था बेचारा। जैसी वो देखता है साधना करते हुए, अरे ये कौन आ रहा है? बोले, ये तो मेरा ही भाई है। कौन है? मेरा ही भाई। भाई तो अच्छे भाव से गया था कि जाऊंगा उसको समझा बुझा करके वापस, लेकिन वो तपस्या करने वाला कमट का जीव भाई सोचने लगा, अरे अभी तक तो देश निकाला, दंड मिला, इस भाई को पता चल गया कि मैंने इसकी मतलब भाभी के साथ गलत काम कर लिया है, तो फिर ये तो मेरे को बेमौत ही मार डालेगा। गलत फहमी आ गई, गलत धारणाएं आ गई। और जिस दिन इंसान के मन में गलत धारणाएं आ जाती है, वो न तो परिवार का सोचता है, न समाज का सोचता है, न धर्म का सोचता है, अपनी गुंताड़े में अपने हिसाब से अपनी धारणा बना लेता है। और अपनी धारणा जो बना लेता है उसके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है। क्या चीज नाम नहीं होती है? बुद्धि। इसलिए गधे को आप क्या कहते हो? बोले, गधे के पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। शब्द उसमें क्या है? ग और धा,
ग मतलब गलत, धा मतलब धारणा, जिसके भीतर गलत धारणा बन जाती है वही कौन होता है, गधा हो जाता है। अब आप अपने मन में गलत धारणा बना करके रखते जाओ दुनिया के बारे में, तो आप कौन हो ये विचार करना, अपने आप ही आपको महसूस होने लगेगा। कथाएं कितनी सारी प्रेरणाएं देती हैं, जिस दिन कथाओं से प्रेरणा लेने लग जाओगे तो आपके जीवन का स्तर बदलने लग जाएगा। गलत फहमी उसके मन में आ गई, और गलत फहमी जैसी आ गई वैसे ही वो सोचता है आएगा वो बेचारा भाई आराम से आ रहा है कि भाई इसको प्रणाम करूंगा और कह दूंगा भाई जो हो गया सो हो गया, अब उस चीज को ध्यान मत रखो, मैं आ गया हूँ, चलो मेरे साथ अपन दोनों भाई रहेंगे तो राज्य काज का भी अच्छे से संचालन हो जाएगा, सबका साथ भी रहेगा। ये मन में विचार करता हुआ वो अच्छे भावों से जा रहा है, और वो खड़ा खड़ा बुरे विचारों से सोच रहा है अरे मैं तो बन गया हूँ, अब मेरे पास पत्थर आ गया है, ये आएगा तो मुझे मार डालेगा, इसलिए क्यों न मैं इसको ही मिटा डालूं, न रहे बांस और न बजे बांसुरी। सोच लिया, अब जैसी सोचा और वो जैसी आकर के प्रणाम करने के लिए होता है, हाथ का जो चट्टान था उसके सिर पर पटक दिया, एक क्षण भी नहीं लगा। आवेश में इंसान कौन सा काम कर लेता है, और आवेश में करता है, क्योंकि आवेश का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है, सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि पर विवेक पर अटैक करता है, इसके अलावा और कहीं अटैक नहीं करता है, बुद्धि पर अटैक करता है। लेकिन वो कुछ नहीं, उसी समय थोड़ा तड़फे और मरण को प्राप्त हो गए, वो अपनी साधना में लग गया। लेकिन देखिए वहां से भाव उसके ऐसे थे, लेकिन भावों में न तो धर्म था बल्कि और दूसरी भावना थी, तो आचार्य कहते हैं वो वज्र घोष नाम का हाथी बन गया, और कमट का जीव मरने के बाद सांप बन गया। अब दोनों भाई की भटकन की परंपरा चालू हो गई। एक बार की गलती कहां तक भटका देती है, एक बार की त्रुटि कहां तक भटका देती है। अब पर्याय में गया, सम्मानित पर्याय में गया, हाथी के पर्याय में, कौन सी पर्याय में, हाथी के पर्याय में, लेकिन भीतर कुछ और होगा, तभी त्रियंच पर्याय में गया, लेकिन सम्मानित पर्याय में गया, क्योंकि हाथी जहां भी जाता है क्या पाता है, क्या पाता है, सम्मान पाता है, और सर्प जहां जाता है वहां क्या पाता है, तिरस्कार पाता है। दोनों जीव हैं, दोनों पंचेंद्री हैं, दोनों त्रियंच हैं, लेकिन दोनों त्रियंच होते हुए भी दोनों की स्थितियां अलग अलग है। आप सोचने लग जाओ, जब आप सोचने लगोगे तो आपको महसूस होगा कि एक क्षण की परिणति में उसी समय मौत होती है, तो कैसे आयु का बंध भी हो जाता है। हो सकता है उसके मन में दूसरे और भाव हो, लेकिन वज्र घोष नाम का हाथी बन गया और सर्प बन गया, लेकिन उस समय भी उसके मन में उदार भाव विद्यमान रहे थे। तिर्यंच भी बन गया तो आचार्य कहते देखो हाथी की पर्याय में था तो उस जंगल में आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई, आग लग गई तो सब जानवर जलने लगे, और सब जानवर जलने लगे तो इधर उधर भाग करके प्राण बचाने लगे, और ये वज्र घोष हाथी भी जंगल में था तो कहते हैं उसके पाँव में कुछ खुचली या थकान हुई होगी, एक पाँव को उठाया और एक पाँव को जैसी उठाया तो उसके बाजू में खरगोश था, तो बचने के लिए वहीं पर जाकर के बैठ गया, किसी प्रकार में अग्नि की लपट से बच जाऊं, ये सोच करके खरगोश बैठा। कई जानवर भाग रहे हैं, कई आ रहे हैं अपना अपना बचाव करने के लिए, लेकिन जैसी वो वज्र घोष वो हाथी था वो जैसी देखता, अरे मेरे पाँव के नीचे तो छोटा सा खरगोश, अगर मैं पाँव रखूंगा तो ये खरगोश मर जाएगा। बोले इसकी तो मुझे क्या करनी है, रक्षा करनी, हो उदार, उदार भावना, कल्याण धाम कल्याण की भावना से गए, हो उदार, उदारता की भावना से उस समय भी, और कितने उदार, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दूसरे के प्राणों की हत्या ना हो। सोचो आप कितने पवित्र भाव उसके थे। ऐसे घंटों व्यतीत हो गए, जंगल की आग बुझी एक दिन के बाद, खरगोश वहां से निकल करके भागा, और जैसे ही भागा तो वो हाथी निर्मल परिणाम से अपने पाँव को नीचे रखता है तो लुढ़क करके गिर पड़ता है,
और लुढ़क करके गिर पड़ता है तो धीरे धीरे उठने लायक भी, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक जाम हो गया। प्रकृति और शरीर का कोई भी भरोसा नहीं होता है। देखते हो ना, अच्छे काम करते करते भी जरा सा एक पॉलिश का टेक आता है, मुँह टेढ़ा हो गया। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी मोदी नगर में था सरधना के व्यक्ति दर्शन करने के लिए, और 3 से 4 बजे तक, पौन घंटे तक मेरे पास आनंद से ऐसे बैठे हुए, जैसे चर्चा चल रही है वैसे सारी चर्चा सुन रहे हैं। और जाते जाते जैसे सब लोग बोलते हैं ना, और कुछ, मैं कहता हूँ और कुछ कह करके, तो वो अपनी बात करने आ जाते। और देखिए 2-3 मिनट तक मेरे सामने बात कर रहे थे, और माना सब ठीक है बेटा, आने वाला है, वो है फलाना ठिकाना, मैंने सहज बातें कर रहे थे और सहज बातें कर रहे। चलो मैंने कहा दूसरे को भी टाइम दो, इतने सारे बैठे हुए सब बात। वो बेचारा यूँ हुआ, थोड़ा पाँव झुनझुने से खड़े खड़े में वो हो गया, वहीं लुढ़क गया। जैसे गिरा, मैं पहली बार सामने सामने देखा कि फालिस का टेक में क्या होता है। और धीरे धीरे उसकी हाथियों अकड़ने लगे, गला हुआ, मुँह से लार बहने लगे, मुँह टेढ़ा हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैं समाज के लोगों को बोला भैया जल्दी से गाड़ी बुलाओ, उसको ले जाओ। अब मैं क्या कर सकता, मेरे को तो कुछ आता नहीं, जो मंत्र बोल दिया चलो थोड़ा बहुत जो करना था कर ले। और सारा परिवार, क्योंकि मोदी नगर में प्रवेश था, उसने पूरे परिवार रिश्तेदार को बुलाया था कि चलो। उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में बोला, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले यहाँ तो क्लोट आ गया, बोले दिल्ली ले जाओ, दिल्ली ले गए तो बोले गुड़गांव ले जाओ, गुड़गांव ले गए तो वहाँ पे बोले मामला गड़बड़, आईसीयू में भर्ती करो। 4 दिन के बाद के पता लगा वो तो हंसता खेलता परिवार। देखते देखते मेरे, मैंने कहा देखो गजब, बड़ा डर लगने लगा कि देखो स्थिति क्या, मेरे सामने खड़ा हंस रहा है, बोल रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, और उसकी बच्ची भी है, दामाद भी है, सब है वहीं बैठे हुए। देखते देखते वो गजब, कब प्राण निकल जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। बोले हर क्षण सावधान रहो, उदार भाव के साथ, जीव की रक्षा मुझे लुढ़क गया। मरने के बाद परिणाम इतने अच्छे थे, हे प्रभो कब तक पाप भोगूंगा, तिरंज पर्याय में आ गया। तो बोले मरने के बाद वो सहस्त्रार स्वर्ग में चला गया, और सर्प का जीव वहां जल करके 5वें नरक में चला गया। किस में चला गया? 5वें नरक में चला गया। पारसनाथ के जीवन की कथा है ये, किसकी कथा है? और आज पारसनाथ का निर्वाण सब है, उनकी कथा सुनो, क्योंकि जैन शास्त्र कहते हैं त्वत् संक थापि जगताम दुरितानि हन्ति। कौन से स्रोत में है? कौन से स्रोत में है? भक्तामर में, कि हे प्रभु जो तुम्हारी कथा सुनता है उसके भीतर से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है, यह विशेषता है। इसीलिए अपने यहां सबसे पहली परंपरा कथा की है। किसकी है? प्रथमान योग की है। कौन से अनुयोग की है? प्रथमान योग की। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने कह दिया कौन भगवान की कथा सुने, ये तो याद हो गया, वो हिंदुओं ने ले लिया। किसने ले लिया? हिंदू जब भी उपदेश करेंगे तो आप देखो वर्षों से एक कथा चलती आ रही है, और हर बार कथा सुनने के लिए उतने ही लोग पहुंच जाएंगे, और हर बार उस कथा में क्या होगा, कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई जीवन का सूत्र। भाई हर समय तो, हर साल तो कोई ना कोई बुद्धिमान होता ही, आने की उम्र में बढ़ता ही है, समझ तो पैदा, कौन सी घटना कब किसके दिमाग में घर कर जाए और जीवन का परिवर्तन हो जाए, कहा जा सकता है क्या? यही महावीर कह रहे हैं कि वो 12वें स्वर्ग में चला गया और 5वें नरक में चला गया। ये पारसनाथ की घटना। फिर वहां पर जाकर के सोचा, अहो मैं यहां कैसे आ गया, याद आती है तो सब चीज दुनिया का भूलता है। बोले अब तो मैं प्रतिदिन क्या करूंगा, कुल देवता मान करके जिंद वंदना तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन जितने भी कृत्रिमा कृत्रिम चेतालय है उसकी पूरी वंदना। अब वो अपना समय सहस्त्रार स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग में व्यतीत कर रहा है, और महावीर कहते हैं मरने के बाद वो विद्याधर बन जाता है। किसका स्वामी बन जाता है? विद्याओं का स्वामी बन जाता है। और उसका जो कमट का जीव था वो क्या बन जाता है? अजगर फिर से बन जाता है। 5वें नरक से निकला और फिर क्या बन गया? ये परिणामों की क्रूरता से पतन करता चला जा रहा है, और पारसनाथ परिणामों की निर्मलता से उत्थान करते चले जा रहे हैं। अपने जीवन में भी ये होता है, परिणाम निर्मल हो तो उत्थान होता चला जाएगा, और परिणाम कलुषित हो तो नीचे चलते चले जाओगे। परिणामों के ऊपर सबसे बड़ी विशेषता होती है,
और परिणामों की निर्मलता हुई तो वहाँ उसके उपरांत साधना करता है, साधना करने के उपरांत फिर स्वर्ग में चला जाता है, फिर नरक में जाता है, वहाँ से आकर के चक्रवर्ती बनता है, फिर भील बनता है, फिर अमिंद्र में आ जाता है, नारकी बनता है, फिर मंडलिक बनता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके प्राणत स्वर्ग में चला जाता है। कौन से स्वर्ग में? आनत प्राणत आरण अच्युत। कौन से स्वर्ग में? चौदहवें स्वर्ग में। कौन से स्वर्ग में? कौन से स्वर्ग में? पारसनाथ भगवान कौन से स्वर्ग से आए हैं? कौन से स्वर्ग से आए हैं? प्राण सर चौदहवें स्वर्ग से आए हैं और आज के दिन कौन से गुण स्थान को पार कर गए? चौदहवें गुण स्थान को पार कर गए। कौन से गुण स्थान को? कौन से गुण स्थान को? चौदहवें गुण स्थान को पार कर गए। अब आप सोचो कितनी सारी चीजें हो गई, चौदह के चौदह। ये उनके दस भाव है, कई जगह मंदिरों में आप देखते हो ना उनका चित्र भी बना हुआ होता। तो ये कहने का मतलब इतना ही है, जितना शुभ भाव है उतना उत्थान है और जितना अशुभ भाव है उतना पतन है। इसलिए जीवन में क्या करना? बोले शुभ भावों को जन्म देते रहना। अगर बुरा भी होने लग जाए तो तुम अपने भीतर से सोच लेना, चलो भाई हो जाता है समय के साथ, और समय के साथ वो बुरी चीज भी कभी कभी अच्छी धीरे धीरे हो जाता है। ये जिंदगी का क्रम आ जाता है तो पूरा का पूरा क्रम ही जिंदगी का बदलने लग जाता है। वो पारसनाथ भगवान आ तो गए कल्याण धाम, हो उदार तुम और तीर्थंकर बन गए तो किस में कारण हो? पाप नाश में कारण हो। आज अगर आप देखेंगे आज भगवान का लड्डू चढ़ा रहे हो आप, तो आप महसूस करोगे, तो आपको महसूस होगा ये पारसनाथ भगवान ही 24 तीर्थंकर में ऐसे तीर्थंकर रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे छोटा है और यशोकाल सबसे ज्यादा है। आप देख लो पारसनाथ भगवान का कार्यकाल कितना है? 250 साल। कितने साल का है? क्योंकि 250 साल के बाद महावीर स्वामी आ गए, ज्यादा समय कुछ थोड़ी ना था इनका। अरे 100 साल की उम्र पाई थी। कितने साल की उम्र पाई थी पारसनाथ ने? 7 वर्षों की आयु पाई, श्याम वर्ण सुंदर सुखदाई, तन नौ हाथ अतुल भलधारी, नमो नमो पारस फणधारी। ये अभी इसी में पढ़ोगे आप इसी में पढ़ोगे। तो 7 वर्षों की आयु पाई, कितने साल की आयु थी? 100 साल की। श्याम वर्ण सुंदर सुखदाई, और कौन से कलर के थे? कौन से कलर के थे? हाँ, चावल या पारसनाथ बोलने में तो अच्छा लगता है, और कहीं अपने घर में काला बच्चा आ जाए तो? काला बच्चा आ जाए तो किस पे गदा? यूं कर लोगे? सोचो आप। और ये काले होकर के भी सबके लिए कैसे निराले थे? आज जो पारसनाथ भगवान की आप आराधना करते हो तो सफेद मूर्ति कम बनाओगे, कौन सी बनाओगे? ज्यादा काले बनाओगे। ये पारसनाथ भगवान का अपना अस्तित्व है, आदे नाम कर्म का, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। लेकिन शरीर काला था, मन कैसा था? कल्याण धाम, हो उदार, हे भगवान सबके पाप कैसे नष्ट हो जाएं? क्या हो जाएं? सबके पाप कैसे नष्ट हो जाएं? ये किनके मन में भाव था? किनके मन में भाव था? पारसनाथ। इसलिए पाप नाश की भावना ऐसी थी कि पैदा होने के बाद भी क्रम चलता रहा और ज्यादा उम्र भी नहीं बनाई कि आप पढ़ लेते हो भये जब अष्टम वर्ष कुमार लहे अणुव्रत। कितने साल की आयु में अणुव्रत ले लिया था? कितने साल की आयु में? 8 साल की। मैं पारसनाथ से थोड़ा सा खराब ज्यादा था इसलिए 12 साल में लिया। मैं पारसनाथ से थोड़ा सा ज्यादा खराब था इसलिए कितने साल में लिया? और आप तो पूरे खराब हो, आज तक नहीं ले पा रहे। कौन नहीं ले पा रहे? आप तो इसमें क्या डरना, क्या कर लोगे? जो सही है सो सही है ना। पूरे खराब हो इसीलिए पारसनाथ भगवान तो 8 साल में ले लिए। हम थोड़े ठीक थे, कितने साल में ले लिया? और आप बोलो जोर से बोलने, देखो
आप तो बोलोगे महाराज आप तो अपना काम खत्म करो, हम तो इसी में ठीक है, पार्श्वनाथ देव से हो, पार्श्वनाथ देव से हो आपकी, और ऊपर से कह दिया यहां तो देना ही, दीजिए निवास, भूलना नहीं नहीं तो ध्यान रखना, भूलना नहीं नहीं तो ध्यान रखना। सोचो आप कितना अंतर है, केवल सोचते चले जाओ और इन सब घटनाओं को याद करते चले जाओ कि 8 वर्ष में संयमी जीवन हो गया। यद्यपि तीर्थंकर अणुव्रत नहीं लेते हैं लेकिन उनका जीवन किसके समान हो जाता है, अणुव्रती के समान। पाप नाश में कारण हो, किसमें कारण हो, और पाप नाश के कारण में भगवान महावीर कहते हैं और आचार्य कुमुदचंद्र कहते हैं कि पाप के नाश के ऐसे भाव थे कि कोई दूसरा भी पाप करता था तो वहां देख करके वो द्रवित हो जाते थे, उसको संभालने के लिए बढ़ जाते थे। क्या करने के लिए बढ़ जाते थे, संभालने के लिए बढ़ जाते थे। और एक दिन यही होता है कि कुमार अवस्था में थे तो कहते चलो नगर भ्रमण को जाते हैं, तो नगरवासी कहते हैं हाथी पर कस कर अंबारी एक जंगल में। आहा कितना याद है आपको, कितना याद है, सोचो तो है? मेरे को याद नहीं है, आप लोगों के कारण से याद रखना पड़ता है, नहीं तो मुझे कौन सा अंबारी हाथी पे कस के चलना पड़ता था, हैं? कोई हाथी पे कस के तो नहीं चले हैं, हैं? सोचो आप, एक जंगल में कई सवारी और देखो संपर्क देखते चले जाओ, संबंध देखते चले जाओ, एक तपस्वी देख है वहां पर जिससे बोले। अब कौन आ गया, किससे घटना प्रारंभ हुई, वो उस समय कौन था, भैया, और इस समय कौन था, नाना, कौन था, कौन था, देख लो खानदान का बदला कहां तक चुका रहा, 10 भाव हो गए लेकिन अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, मैं डसूंगा, चाहे सांप बन के डसूं, चाहे नाग बन के डसूं, चाहे मच्छर बन के डसूं, चाहे इंसान बन करके डसूं, देख लो भैया की पर्याय में भी कष्ट दे दिया और नाना की पर्याय में भी, जिंदगी कैसी है, अपने ही खानदान का है, केवल सोचते चले जाओ। इसलिए बैर मत लो, क्या मत लो, बैर मत लो, ये पार्श्वनाथ भगवान का ही कह रहे हैं, पाप नाश में कारण हो तो वहां देख लिया कि एक तपस्वी देखा वहां पर जिसको बोले, तपसी तुम क्यों इस लक्कड़ में, पाप नाश में कारण हो। पार्श्वनाथ के कितने बार कल्याण मंदिर पढ़ते हो, कितने बार पढ़ा होगा, बोले महाराज हफ्ता में 10 बार पढ़ ले तो भी कमी है, कितना कितना, सप्ताह में 10 बार भी पढ़ लें तो भी कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बार भी कहीं घटना को गुन लेते हैं तो बहुत कुछ जीवन में बदल जाता है, क्या हो जाता है, बदल जाता है जीवन, ये बदलाव, एक एक चीज को केवल देखते चले जाओ बस, और एक एक चीज को देखते चले जाओ तो एक एक अर्घ तो 1 मिनट का काम है, 16 मिनट में अर्घ चढ़ जाएंगे, अभी पंडित जी चालू हो जाएंगे, जैसे अभी शुरू में बोल रहे थे ना, जल्दी बोलो पंडित जी, नित अप्रकम पादभूत कई बोलोगा सस्ती क्रिया सुपरमर्सी होना, कितने फटाफट बोल रहे थे पंडित जी, इनको कहीं जाना तो नहीं दूसरी जगह, वो नहीं बुकिंग हो, दोपहर भी विधान हो रहा हो, वही तो कह रहा हूं ना, वही तो कह रहे हैं, उसमें आपकी सहमति है, हाँ इंटरनल मामला ये झलक रहा है, और मैं सोच करके नहीं चढ़वा रहा हूं जानबूझ के, मैंने कहा मेरे को चढ़ाना ही नहीं, भाई लड्डू तो चढ़ चुका पहले, अब तो फॉर्मेलिटी निभनी है, लड्डू तो हो चुका नहीं, जो चीज है वो हो चुका, वो हो चुका, जो हो चुका हो चुका, अब तो केवल फॉर्मेलिटी है, चलो महाराज जी आए हैं तो उनके सामने भी चढ़ा दो, चढ़ गया सब, उठा उठा के ले गया मान लिया, अभी आधा आधा बच गया, बना हुआ एक साहब, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, सारी चीजें को कहोगे अपने आप ही समझोगे, अपने आप ही समझोगे, वो अपने आप ही समझोगे, पाप नाश में कारण हो, जाके वहीं खड़े हो जाओ,
मन का ओझ बनाए रखो। क्या बनाए रखो? मन का ओझ बनाए रखो। क्या बनाए रखो? इसलिए मैं जल्दी कर ही नहीं रहा हूं। आप चार बार भी घड़ी देखोगे तो मैं देखूंगा ही नहीं, घड़ी देखूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखूंगा। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। आदत मुझे मालूम है ना, आदत मुझे मालूम है कि नहीं, इसलिए अतीत के अनुभव को वर्तमान में उपयोग करता हूं। हैं? क्या करता हूं? हाँ बिल्कुल, कोई वो नहीं, सहज। क्या चीजें? सब सहज है। जिनको जाना था लड्डू चढ़ा के चले गए, जिनको रहना था रह गए, क्योंकि यहाँ पर वैसे पारसनाथ पे सब रहते ही रहते हैं, इसलिए जो हैं वो चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे वो तो बैठे रहेंगे। आप जल्दी कराओ तो पंडित जी हैं, देर तो मैं कर ही दूंगा, मैं तो अपना समय पूरा करूंगा, मैं अपने समय में कोई कंजूसाई नहीं करूंगा। ऊपर की जगह नीचे हो गया, और क्या है, और क्या है? बात तो वही है ना, बात तो वही है। जो मेरे को सुनना चाहते वो हमेशा ऊपर आ जाते हैं, जो भगवान को पूछना चाहते यहीं रह करके यहीं से खिसक जाते हैं, इसलिए मुझे चिंता थोड़ी ना। इसलिए कह रहा हूं, हाथी पर कसकर अंबारी, एक जंगल में बैठे रहो, तुम बैठे रहो, भागना हो तो चुपचाप अंदर ही अंदर किताब खोल के पढ़ते जाओ, आखिरी फिर मैं उठूंगा इधर, बोल देना बिन जाने वह जान के रही टूट जो कोई। भगवान भी समझदार है, मैं उससे ज्यादा समझदार हूं, और आप उससे ज्यादा समझदार हो। कौन हो कि नहीं हो? इसीलिए वो कहां चले गए पारसनाथ? जंगल। अभी मोक्ष थोड़ी ना पहुंचाऊंगा मैं, अभी तो और लेट करूंगा, अभी तो पंडित जी से निर्वाण कांड पढ़वाऊंगा पूरा। क्या पढ़वाऊंगा? पूरा पढ़वाऊंगा, बजा दूंगा, अभी विधान चालू ही नहीं करूंगा मैं तो, करूंगा ही नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं इधर, कोई सुनवाई नहीं। जब सुनना है तब सुनना है, वो जब करना है तो करना है, है? सही है ना? ऐसे करके पूछ रहा था बेचारा। सोच लो आप, पाप नाश में कारण हो, किसमें कारण हो? कौन 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 कौन? बोले महाराज लोन मिल जाए तो सब पाप कट जाए। क्या कट जाए? मिल जाए बस, कहीं से भी मिल जाए, किसमें? अरे तो देखो ज्यादा समझ में आ रही। सोचो, हाथी पर एक जंगल में कौन गया, कितने साल के थे, किसके पास गए? नाना के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? बस मैं नाना करता जाऊंगा ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नाना करूंगा। क्या करूंगा, क्या करूंगा? अभी नाना के पास पहुंचे। सोचो, खानदान के ही है, रिश्तेदार की है, उनकी ही बिटिया यहां पर आई हुई है, उनके ही बेटे हैं, लेकिन देखो उनके पास कौन सा ज्ञान था? अवधि ज्ञान। जान गए तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लक्कड़ में। उसके आगे क्या है? बोलो बोलो बताओ। देखो याद है ना, तपसी तभी कुदाल। अभी तो मैंने कुदाल उठाई ही नहीं, अभी तो मैंने उठाया ही नहीं है? अभी तो यूं ही लकड़ी से चुन रहा हूं है? उस लक्कड़ को जलते नाग नागनी मरने के थे
तभी मंत्र सुनाऊं आपको भी नमकार मंत्र कितने बार सुनाऊं? एक बार 108 बार हैं? पता नहीं कब कौन से बाईपास से खिसक जाए, कुछ पता नहीं लगेगा अभी। बोले आज तो और उल्टा हो गया, बैठे रहो, कब कहाँ से निकल जाओ कुछ पता लगने वाला नहीं है। जाना तो नहीं रमेश जी है? रमेश जी को जाना नहीं, ये तो बिल्कुल इस मामले में सीट के पक्के हैं रमेश जी। वर्षों से सप्ताह का नियम कब से चलता है इनका, एक सप्ताह में एक बार आ जाना कहीं भी रहें। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि ये दिल्ली थे, मैं रेवाड़ी था, कितना दूर है, लेकिन हर सप्ताह रेवाड़ी तक आ जाते थे और कुछ नहीं करे, शाम को पहुँचते थे, आरती करी और चले गए। श्रद्धान का अपना रूप होता है, श्रद्धा भी है, सेवा भी है, भक्ति भी है, आराधना भी है। अभी ये बता रहे ना पुष्पगिरी का उसको, लेकिन जो इतना बड़ा पद्म प्रभु भगवान का जो बना है, 48 फीट की वेदी, 3 मंजिल का हाल, उसके ऊपर 21 फुट के भगवान, 5 फीट का कमल, इस प्रकार कितना हो गया, करीब 49-50 फीट हो गया, नहीं ज़्यादा ज़्यादा 71-72 फीट, वो सारा का सारा अगर बना है, वो सारा को बनाने का श्रेय रमेश कुमार जी जैन को जाता है पूरा। जबकि कोरोना काल में मैं वहाँ था, कौन से काल में था, कोरोना काल में आवागमन वैसे भी कम था और कई लोगों को मना भी कर देते थे वातावरण के अनुसार, लेकिन 2 साल तक आना जाना इन लोगों का कभी छूटा नहीं। और जब वहाँ बात चली कि बनाना है, कोई बात नहीं महाराज, जैसा आपको बनवाना हो वैसा बनवा लो, एक मिनट भी नहीं लगा। तो ये इस मामले में, धार्मिक मामले में, सेवा के मामले में तो सभी जानते हैं रमेश जी को। तो एक जंगल में और लंबा खींचूं, हैं? अरे नमोकार मंत्र किसको सुनाते आखिरी में, तो आखिरी आ गया, हम आखिरी समय आ गया क्या, नमोकार नहीं सुनाऊंगा, क्या नहीं सुनाऊंगा? सोचो जो लोग कहते हैं तीर्थंकर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, तो ये एक उदाहरण मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक उदाहरण मिल जाता है कि तीर्थंकर भी ऐसे समय पे कौन से मंत्र को सुना दिया। दूसरे लोगों को शिक्षा भी मिल जाती है जो कहते हैं कि सांपों के कान नहीं होते। क्या बोलते लोग, सांप का कान नहीं होता, वो तो बांसुरी को देखता है और अपना काम, लेकिन आचार्य कहते हैं उसके भी क्या होते हैं, क्योंकि वो भी सैनी पंचेंद्री जीव है। कौन सा जीव है, पाप नाश में कारण हो, उसके पाप का नाश किया कि कम से कम 2 जीव को बचाया, लेकिन जल रहे थे तो कान में कौन सा मंत्र सुना दिया, नमोकार। और ऐसा मंत्र सुनाया कि उस समय निर्मल भाव से सोचो कितना पुण्य होगा कि महाराज से नमोकार सुनने मिल जाए, परिवार से मिल जाए, तो भी अंतिम समय धन्य समझते हो, लेकिन साक्षात तीर्थंकर बालक से नमोकार मंत्र सुनने का सौभाग्य नाग और नागिनी को मिल गया। और जैसे नाग और नागिनी को मिला तो उसी समय उनकी पर्याय का क्षय हुआ, और क्षय होने के साथ आचार्य कहते हैं कि मरने के बाद भवनवासी में धरणेन्द्र और पद्मावती नाम के देव और देवी हो गए। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए आप सोचो। और आज उनको ज़्यादा साल की नहीं हुई है, अभी बड़ा मुश्किल से 2800 साल की हुई होगी। 2800 साल में भी 70 साल कम, 80 साल कम, सोचो आप इतनी कम उम्र की है, और वो आज भी कृतज्ञ है पारसनाथ के प्रति। आज आप देखोगे जन समाज में ज्यादातर काम लोग किससे लेते हैं, पद्मावती धरने से ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि आज भी सेंसिटिव है, सक्रिय है, उनके मन में ये भाव है पारसनाथ भगवान, मैं तो क्षुद्र थी, क्षुद्र था, और आपने एक बार नमकार सुना करके मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो जो आपका भक्त होगा और कदाचित मैं वहाँ पर हूँ, तो उसके कष्ट का सहज ही निवारण करने में मैं सहयोगी बन जाऊँगी। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं व्यंतर के पास भी 100 लोगों को मारने और बचाने की क्षमता होती है, ये शास्त्र के कथन है। जो शास्त्र को नहीं समझते वो उल्टी सीधी बात करते हैं, नहीं तो त्रिलोक पंडित ग्रंथ पढ़ लेना। कौन सा ग्रंथ,
24 तीर्थंकर के पूरे के पूरे यक्ष और यक्षिणी होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए पुरानी प्रतिमाओं को आप देखेंगे तो दोनों तरफ बना करके, आज भी देखोगे कहीं पर भी जाओगे आपको वही मिलेंगे, आपको साउथ नहीं उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में भी पुराने 500,000 साल पहले के, ये सारी की सारी चीज़ों को देखो आप, तो देखते चले जाओगे तो आपको अपने आप ही महसूस होने लगेगा। वो धर्णेन्द्र पद्मावती बन गए, पारसनाथ भगवान भी लौट करके आ गए। पाप नाश में कारण हो भयाक्रांत जो प्राणी जग में भय का करते। अभी तो एक लाइन में इतना देर हो गया, दूसरी लाइन भी बोलूं? नहीं महाराज, वह बक्सो थोड़ा तो बक्सो, अब मैं सुनाऊं आप। भयाक्रांत भयभीत प्राणी में कौन से का नाम लो? पारसनाथ का नाम लो, तीर्थंकर का नाम ले लो। ये कौन से निवारण करने वाले हैं? भय का निवारण। किसके करने वाले हैं? भय का निवारण करने वाले। वो भय का निवारण करने वाले पारसनाथ भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनका तो क्या, 30 साल में दीक्षा ले ली। कितने साल में दीक्षा ले ली? 4 महीने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हो गया। कितना, कौन सा ज्ञान हो गया? अही क्षेत्र में चले गए, तपस्या करने लग गए। क्या करने लग गए? उनका नाना मरा क्या बन गया? कमट का जीव, जिसे आप कहते हो। कमट तो पुराना नाम था, लेकिन उस समय का नाम क्या था? काल संवर नाम का देवता। कौन सा देवता? और जैसे वहाँ आई क्षेत्र में पारसनाथ भगवान यूँ ध्यान कर रहे हैं, उसी समय वो ऊपर से जाता है तो उसका विमान रुक जाता है। क्या रुक जाता है? विमान रुक जाता। कौन है जो मेरे विमान को? तो नीचे देखता, धत तेरे के ये तो मेरा ही देवता है। कौन है? हे भगवान, मामला भीतर का। बोले फिर ऊपर गया, फिर आप क्या कहते हो? ओले सोले पत्थर, ये बरसात के मौसम में ही बरसाया, ओले भी अग्नि भी और पानी भी। लेकिन पारसनाथ भगवान कितने दिन तक स्थिर रहे? 7 दिन तक स्थिर रहे। और 7वें दिन उन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए महापुरुषों भी संकट आ जाता है, हम लोग कौन से खेत की मूली हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम लेते हैं तो भय का निवारण हो जाता है। पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को पोत समान, और श्री जिन पारस नाथ चरण में बारंबार विनम्र प्रणाम। तो पारसनाथ के चरणों में क्या कर दिया? प्रणाम कर दिया। आइए और यह पहला अर्घ समर्पित करते हैं बड़े आनंद के साथ। इसके बाद पंडित जी निर्वाण कांड पढ़ लेंगे, फिर जो भी आपकी व्यवस्था है, फिर लड्डू चढ़ने का काम होगा। कौन सा काम होगा? लड्डू चढ़ने का काम होगा। ओम, क्या हो गया राजेश जी, क्या देख रहे? नाना याद आ गया ना? बड़े गौर से देखा ना आपने एकदम से। चलो, ओम रीम भव समुद्र पतत जंतु तहरणाय क्लीम महाविजक्षर सहिताय श्री पारसनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। आइए निर्माण कांड निकाल के हम सही पढ़ेंगे। हाँ, हमें
महाविजय से महाविजय
तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।